है, लेकिन दूसरी तरफ अब झारखंड में क्या चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। सियासी संकट सिर्फ इस वक्त बिहार में ही नजर नहीं आ रहा है, झारखंड की गठबंधन सरकार में भी बगावत के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं। सबसे पहले बात चंपई सोरेन की सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विधायक चमरा लिंडा भी बहुत से बाहर हैं। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी हैदराबाद में नहीं है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सिर्फ 36 विधायक ही हैदराबाद पहुंचे हैं। झारखंड में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले जो ये नंबर गेम है ये बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की सरकार में बगावत के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं। जीएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चमरा लिंडा भी पार्टी की पहुंच से बाहर नजर आ रहे हैं। बसंत सीता सोरेन भी हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं। गठबंधन के 36 विधायक ही इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं। तो ये पूरा नंबर गेम भी आपको समझाते हैं कि चंपई सोरेन के साथ आखिरकार कितने विधायक इस वक्त मौजूद हैं। तो ये नंबर आंकड़ा आप देखिए, हैदराबाद में 36 विधायक इस वक्त सरकार के साथ मौजूद हैं। रांची में क्या चल रहा है, 5 विधायक सरकार के साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ 7 विधायक का जो रुख है वो अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो झारखंड का ये पूरा नंबर गेम आप समझिए, हैदराबाद में 36 विधायक सरकार के साथ मौजूद हैं, जिसमें से भी कुछ और नाराज बताए जा रहे हैं। रांची में 5 विधायक सरकार के साथ मौजूद हैं और 7 विधायक जो इस वक्त मौजूद हैं उनका रुख अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनका क्या रुख है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ सीधा लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय को आप स्क्रीन में देख रहे हैं, रांची से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। निधिश्री भी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ी है। सबसे पहले अभिषेक आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, 5 फरवरी को बहुमत का टेस्ट होना है, लेकिन जिस तरीके से रूठने मनाने का जो दौर चल रहा है, जो खेल चल रहा है, क्या चंपई सोरेन बहुमत साबित कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल अभी यही है। ये सवाल आयुषी बना हुआ है और इसके बने होने की बड़ी ही ठोस वजह है। पहली जो वजह है वो खुद जाती है हेमंत सोरेन के परिवार से। परिवार की स्थिति ये है कि हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन ये दोनों ही अभी इस नए सेटअप में एडजस्ट नहीं हो पाए। इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका। ये एक टसल है, बसंत सोरेन के पहले जाने की बात थी हैदराबाद, लेकिन वो हैदराबाद नहीं गए। दूसरा ये है कि आप विधायकों का एक एक करके, आपने लोबिन हेम्ब्रम का बताया, मैं एक करेक्शन कर दूँ कि पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया लोबिन हेम्ब्रम ने, लेकिन वो ऐलान करना भी इस दौर में बड़े बहुत ही मायने रखता है। चमरा लिंडा पहुंच के बाहर हैं। रामदास सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, यहां पर नहीं हैं। तो सबके बारे में कोई ना कोई इस तरह के तर्क तथ्य रखे जा रहे हैं। यहां पर जो विधायक हैं जो वहां नहीं गए, 7 विधायक, उनको भी लेकर उनमें भी सारे विधायक एक पेज पर हों ऐसी बात सामने नहीं आ रही। और जो हैदराबाद में हैं वो विधायक भी, उनके मोबाइल खुले हुए हैं, वो लगातार कॉन्टेक्ट में हैं बाहरी दुनिया के। तो ये इतना आसान भी नहीं है। और मैं एक बात आपको और ऐड करूं आयुषी, कि बीजेपी का सरकार गिराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर सरकार गिरती अपने अंतर विरोध से, जो कि कल बाबूलाल मरांडी ने हमसे बातचीत में कहा, तो उसमें बीजेपी को कोई गुरेज भी नहीं होगा। तो इसलिए मामला अभी भी क्लियर नहीं है, संशय अभी भी बरकरार है। जी जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। निधि भी हमारे साथ यहां पर जुड़ी हुई है हैदराबाद से। निधि, 7 विधायक माना जा रहा है कि नाराज इस वक्त चल रहे हैं, कौन कौन इसमें नाराज है सरकार से, क्या और नाराजगी की वजह क्या मानी जा रही है इनकी? है सत्ता में आना है, सत्ता में काबिज रहना है, मंत्री पद चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं ये नाराजगी की वजह है। लेकिन चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ये दो ऐसे विधायक हैं जो लगातार पार्टी आलाकमान की पहुंच से बाहर है। लोबिन हेम्ब्रम जिनका फोन देर रात तक बंद रहा, पार्टी के आलाकमान बड़े नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो संपर्क से बाहर है, पहुँच से बाहर है। और वो अपने क्षेत्र में ये बयान देते हैं कि उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो जाकर के इस्तीफा दे देंगे, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। हालांकि जैसा हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ये डराने धमकाने की कोशिश लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से की जा रही है। चमरा लिंडा भी उनमें से एक हैं जो संपर्क से बाहर है, बगावती हैं। एक बार आपको तस्वीर में दिखा दूं उस रिसोर्ट की, जिस रिसोर्ट में 36 विधायक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल निधि, आपके पास मैं लौटूंगी वापस से, और ज्यादा जानकारी आप लेंगे, आप बने रहिएगा। ABP News, आपको रखे आगे।